बताया मैं योगा वगैरह मैं करता हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर का मैं योगा करता हूँ, नॉर्मल वार्म अप टाइप का होता है। तो उस टाइम मैंने वही जो आपने बताया था स्टेप कर करके वो करके वो मैंने किया, तो एनर्जी एनर्जी वो मुझे हुआ कि जैसे प्रेस करने पे कुछ लगता है फीलिंग में। प्लस मैंने जो थंब वाला भी किया, थंब वाले में जो मुझे शेडो दिखती है वाइट वाली, वाइट शेडो, बट उसमें भी टू टाइप टू कलर्स है, एक तो डार्क वाइट है और एक लाइट वाइट है। लाइट वाला थोड़ा सा एक्सपेंड होता है और डार्क वाला बिल्कुल एडजॉइंट होता है, एंड वो फ्लेक्सिबल है, मूविंग होता है, कभी इस साइड में ज्यादा हो रहा है, कभी ऊपर ज्यादा हो रहा है, कभी इस साइड में ज्यादा हो रहा है, बट अभी व्हाइट में ही आ रहा है। उसका वो जो रेडियस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, पहले कल जब अब मैम ने आके सेट किया तो वो कम था, मॉर्निंग में किया वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, डार्क के साथ थोड़ा सा लाइट लाइट हो गया, जैसे ग्रेस टाइप का होता है, और वो फ्लेम की तरह ऊपर फ्लेम की तरह वो फ्लक्चुएट कर रहा था। अभी भी हो सकता ओके है मेरा आई आई का मैं उसको कंटिन्यूसली रन कर रहा हूँ, उस वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हाँ समथिंग हैपनिंग। और फिर कल मे भी आपसे बात, जब सर के साथ क्लास हो रहा था, उन्होंने जो स्टेप कराया था वो वाला लॉकिंग वाला और थंब वाला, उस टाइम पे भी जब हम कर रहे थे तो यहाँ ऐसे कुछ समथिंग जैसे बॉल टाइप का होता है ना वो था, और हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव हो रहे थे। राइट ये मे भी कल से आपके बाद और जो सर के साथ किया है उसमें ये इम्पैक्ट दिखा, बट इवनिंग में थोड़ा सा मैं बिजी हो गया तो इवनिंग में भी नहीं कर पाया प्रैक्टिस, बट वही अभी सर भी वही बता रहे थे कि आई नीड टू बी स्पेंड सम फिक्स टाइम और सम रेगुलर टाइम जो तो सर ऐसा है कि हमने इसी को अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करना है, यही वाले 2 स्टेप्स को अच्छी तरह से करेंगे। इनको ऑब्जर्व इस तरह से करना है कि आपको एक तो सिर्फ वार्म या कूलिंग का इफेक्ट एक जो फील होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बाउंसिंग इम्पैक्ट आपको फील होता है। उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करने से आप और भी गैदर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने हाथों को ट्रेन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो उसका सिर्फ एक यही तरीका है कि इसी चीज को प्रैक्टिस करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बिलीव मी ये बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस सिर्फ यही है, टंग टू पैलेट होना चाहिए, आप शांत वातावरण में होने चाहिए, आप अंदर से क्लीन होने चाहिए, कोई वेग नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, गुस्सा या मतलब आपके नित नियम से निवृत्त होके आप ये करें। और एक और चीज, आप मॉर्निंग में स्काई को देखें, बट मेक श्योर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है दैट शुड बी एट योर बैक, और आप जो भी कुछ देख पा रहे हैं वहां पे वो आप शेयर करें, आप क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, वी ट्राई। ठीक है, और ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में करेंगे क्योंकि और उस टाइम पे बिल्कुल क्लाउड्स नहीं होने चाहिए जब आप ये प्रैक्टिस करें। इट कैन बी एनी डे बिकॉज आजकल रेनी सीजन है, तो आप ये करके ये इन्फॉर्मेशन मेरे को बताएंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टुमारो मॉर्निंग। इट विल हेल्प यू सी लॉट मेनी थिंग्स जो आपको दिख रही है और आपको जो नहीं दिख रही है उनको भी समझ पाने में। मुझे मॉर्निंग में स्काई को देखना है, देन नीड टू फील सम। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्काई को देखना है व्हाइल कनेक्टिंग योर टंग टू योर पैलेट, सिर्फ स्काई को देखना है, एंड उस टाइम पे चश्मा भी आप उतार दें। किस तरह से हवा के रुख भी आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, आपको डायरेक्शन ऑफ एयर भी पता चलती है विदाउट सीइंग एनीथिंग मूविंग, मतलब कोई पेड़ पौधों की डायरेक्शन को ना भी देखें आप, तो भी आप हवा की क्या मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में हवा बह रही है वो आप लाइक देख सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और जब वो चीजें जो हमारे आगे पीछे बिल्कुल बिखरी हुई हैं, कभी हमारी सोच ही नहीं जाती उनके तरफ, और जब कभी फ्लूक में या इंटेंशनली किसी के गाइडेड वे में या कैसे भी
हमें जब उन चीजों पे नजर पड़ती है और उनको हम देख पाते हैं द वे वी वॉन्ट, और जो भी हम वहां पे देख पाते हैं जो हमने चाहा भी नहीं होता और शायद हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें भी दिखेंगी, तो एक जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन होती है ना, वो मतलब इट्स अनलिमिटेड. उस अनलिमिटेड हैप्पीनेस को फील करके देखिए फ्रॉम विद इन, राइट. तो वो हमारी लाइफ में ना एक बहुत ही डिफरेंट तरह का रोल प्ले करती है. इट इज लाइक अ यू नो इट इज लाइक अ एनर्जी और द फ्यूल जो आपकी बॉडी को चाहिए तो है, बट आपकी बॉडी को पता नहीं है, मतलब आपकी नोन डोमेन में वो चीज पता नहीं है आपको. क्या ऐसा होता है ना कि कभी आप घर पे बैठे हुए हैं ऐसे ही, कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई एक ऐसा घर पे आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव विजिट करे तो कैसा लगता है ना, आप अंदर से खिल से जाते हैं. तो लाइकवाइज या आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा जो आप खाना रोज खा रहे हैं, ठीक है वो ठीक है, जो भी मिले वो प्रसाद है वो समझ के खा रहे हैं कोई, लेकिन एक दिन कभी एक बहुत अच्छी सब्जी जो आप यूजली खाते हैं अच्छी तरह से बनी हुई हो बैलेंस्ड हो पूरी, उसको खाने के बाद में जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है ना, उससे आप अंदर से फील करते हैं अच्छा फील कर रहे हैं. तो बस वही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना अंदर से बहुत अच्छी तरह से हम जो फील कर रहे हैं अंदर से कर रहे हैं, किसी को बताने के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए, आप इनको देखें इनको फील करें एंड वो चीज फील करने के बाद में आप शेयर करें कि आप व्हाट यू कुड फील देयर, राइट. ओके, अब यही प्रोसेस में जैसे आप थंब को देख रहे हैं वैसे आपने अपने सामने किसी को बिठा के उसका फेस यहाँ पे आप अपना अटेंशन को रखेंगे एंड ऑरा देखेंगे पूरा, राइट. किसी किसी बिठा के, मैं भी फैमिली में किसी को बिठा के. हाँ हाँ किसी को भी बिठा दो अगेंस्ट व्हाइट वॉल, व्हाइट ओके होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट भी शुड बी फ्रॉम योर बैक, फ्रंट पे नहीं होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, ओके राइट. और आप देखें और फिर बताएं कि कैसा आपको फील होता है, क्या आपको दिखता है, ठीक या पिक्चर पिक्चर हो, फोटो फोटो हो, दैट्स व्हाट. है. नहीं आप अभी जो है किसी सामने बिठा के किसी को इंडिविजुअल को उसका देखें आप पहले. सेकंड आप ट्री को ऑरा देखें, कोई एक डेंस ट्री ले लीजिए अच्छे, जैसे होता है ना आम का पेड़ नीम का पेड़ डेंस होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंटली देखेंगे उसको 20 to 25 feet दूर उसको देखें और इस तरह से देखें कि सोर्स ऑफ लाइट ट्री के पीछे ना हो, इट शुड बी इन एट योर बैक नॉट एट द बैक ऑफ ट्री, और आपकी आईज पे कहीं भी वो रोशनी आनी नहीं चाहिए. उसको रात को भी देखना है अगेन द सेम प्रोसेस, जो सोर्स ऑफ लाइट आई मीन कोई भी ट्यूबलाइट या बल्ब शुड बी एट योर बैक नॉट एट द बैक ऑफ ट्री, ताकि आप और क्लियरली उसको देख सकें एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट विल गिव यू हैप्पीनेस फ्रॉम विद, राइट. ओके, एक तो ये चीज है. मैं यूजली क्या होता है कि ड्यूरिंग क्लास आई गिव टाइम टू एवरीबडी कि ताकि वो जाके देख सके, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं. और यूजली क्लासेस डे टाइम में होती हैं तो फिर स्काई गेजिंग भी हो जाता है ट्री गेजिंग भी हो जाता है वो कर लेते हैं, लेकिन अभी नाइट में है तो उतना ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, राइट. अभी ट्री कोई है आसपास में, नहीं नहीं, घर पे प्लांट्स हैं बट जो पार्क है वो भी नॉट टू नो 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 फार. नो नॉट प्लांट्स, डेंस हाँ ट्री लो, डेंस ट्री लो. ऐसा है ना हमेशा कभी भी लर्निंग होती है या अनफोल्डिंग होती है दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कभी भी. तो जो चीज को इजीली हम देख सकते हैं बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट और फिर हम उससे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे. कॉम्प्लेक्स में क्यों बोल रही हूँ मैं उसको, छोटा प्लांट है, छोटे प्लांट्स के छोटे से लीफ होंगे, ब्रोकन एरिया ज्यादा होएगा, लीव्स को मतलब साइट जो है पेनिट्रेट हो जाएगी, पीछे से वॉल भी दिख रही है, पीछे से कुछ और बैकग्राउंड में भी हो सकता है. सो जो डेंस है
उसका तो एक ही कलर है ग्रीन, आपकी लाइट कहीं भी मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ ओपेक थिंग, दो इट इज नॉट बट इट इज राइट। उसको जब आप देख रहे हैं तो आपको एक उसके आगे पीछे ही दिखेगा और लाइनिंग आउटलाइनिंग दिखेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज प्लांट के जो ब्रांचेस हैं एंड लीव्स हैं वो छोटे छोटे होंगे, वोंट हाँ, बी प्लांट्स में डेंस। छोटा होगा। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टेंटली आप देखेंगे, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं क्यों मैं बोल रही हूँ। कुछ टाइम देखते रहेंगे और फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। नहीं, पार्क भी है, मे भी थोड़ा सा, मे भी जस्ट हाँ वॉकिंग जी, डिस्टेंस में, मे पार्क भी नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, उसको अगर आप अपनी बालकनी से या कुछ भी आइडेंटिफाई कर लें, प्लांट कोई एक मतलब ट्री कोई एक, तो आप अपनी बालकनी से भी देख सकते हैं। राइट, विल ट्राई। ठीक है, तो बीच में डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं बिकॉज आजकल गर्मी भी है, थोड़ा क्लाउडी भी है, तो गर्मी है तो इसलिए दोपहर में नहीं देख सकते हैं, और क्लाउडी है तो जब क्लाउड्स ना हो तभी आप स्काई मॉर्निंग में देख लें। ठीक है, बट तो दिल्ली में तो पोल्यूशन भी है, तो क्लाउड दिखते भी नहीं है। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है राइट। आप कौन से एरिया में हैं सर? आई एम लिविंग इन सैनी एन्क्लेव जस्ट नियर बाय आनंद विहार। आनंद विहार, काफी वो है कंजेस्टेड, कंजेस्टेड है, हाईली मे बी पोल्यूशन तो पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड, डेंसली है, और पॉल्यूशन तो एवरीवेयर इन दिल्ली है, तो पॉपुलेटेड राइट। क्लाउड तो मे बी बहुत रेयरली आपको दिखेगा। मतलब तो जो होता है ना प्रॉपर, जो ब्लू स्काई जब जो बोलते हैं, जो मे बी आप यूपी वगैरह में तो प्रॉपरली दिख जाता है, बट यहाँ बहुत रेयर है। राइट ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा क्या आज क्या मैं आपको चीज बताऊं बिकॉज आई वांट यू टू ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करें आप अच्छी तरह से, और आई थिंक एक दिन और देना चाहिए इसके लिए सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ और देखें। अच्छा अभी एक और चीज, सॉरी, आई थिंक आप वो लिख रहे हैं श्रीन, नहीं अब नहीं नॉट लिख रहे? तो लिखिंग। कोई बात नहीं, आज एक ना पेज आप रेड कलर से लिखें, श्रीन ओके, श्रीन। ठीक है, और वो श्रीम एक इंग्लिश ई, में या हिंदी में? हिंदी में हिंदी में श्री ट्रिप। बड़े ई की मात्रा ऊपर डॉट श्रीन, श्र श्रमिक वाला, हाँ, श्री वाला ऊपर बड़ी ई की मात्रा एंड डॉट, बस इतना ही लिखें, ठीक है, पूरा पेज लिखें अप्रॉक्सीमेटली 100 100 200 जितना भी आप लिख सकते हैं एक पेज पे। मतलब उसको थोड़ा सा आप बहुत कंजूसी से यूज करें पेज अपना। ठीक है, और कल मैं आपको एनर्जी को लिफ्ट करना बताऊंगी। ठीक है, आपने सिर्फ थोड़ा सा और इसको स्पेंड सम मोर टाइम एंड इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें बिकॉज एनर्जी को उठाना तो मैं बता दूंगी आपको, उसको पिक करना ट्रांसफर करना सब कुछ मैं बता दूंगी, लेकिन जितना अंडरस्टैंडिंग आपको स्कैनिंग का होगा, बेसिकली दिस इज सेंसिटाइजेशन एंड स्कैनिंग ऑफ एनर्जी, जितना आपको होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे आगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम आपको देती हूँ सो दैट आपको अपना जो कल हमने किया था क्लास में उसको और अच्छी तरह से कोशिश करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपकी और फर्दर अनवेलिंग ऑफ लर्निंग हो, उसमें आप मेरे को बताएं कि आपने ये चीज और महसूस की है। ठीक है, तो आप एक बारी पूरा प्रोसेस सेंसिटाइजेशन का पूरा करने के बाद में, पूरा करने के बाद में अपना फील करें एनर्जी को। ठीक है, पहले वेट करें फिर बीच में फील करें वेट कितना है, फिर फील करें और कितनी प्रॉम्प्टली आप इसको कर पा रहे हैं। एक तो हो गया आपने एनर्जी बहुत टाइम में फील की जिसको बड़ा ही टाइम लगा के आप उसको सेंस कर पा रहे हैं, ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जैसे आपने ये बस अभी अभी हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से लिया ये एनर्जी स्कैन हो गया,
आ गया हाथ बाउंस्ड, ठीक है, और कुछ भी उठाना है कुछ भी डालना है वो बस इतना इतना ही है, लेकिन उतना प्रैक्टिस उतना डेक्सटरिटी चाहिए, राइट? तो इट विल टेक सम टाइम इनिशियली, फिर उसके बाद में हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़े से टाइम पे आप सिर्फ ये देखें, हाथों को सेंसिटाइज करें, एनर्जी को फील करने की कोशिश करें, एनर्जी को फील करेक्टली करना है, एंड ज्यादा बारी करेंगे तो इट विल टेक लेस टाइम करेक्ट होने के लिए एंड एनर्जी को स्कैन करने के लिए। उसके बाद में आप ओला देखेंगे एंड किसी को बिठा के सामने देख लें तो बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है। तो मैं आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स पे आप मेरे को करके बताएं। आप अपना स्क्रीन ऑन रखेंगे, मैं ऑफ कर देती हूँ, हाँ इट्स फाइन ऑडियो वीडियो दोनों।
यस सर, क्या ऑब्जर्वेशन। बाकी एनर्जी तो है, एनर्जी तो महसूस हो रही है इसमें धीरे, और ओरा में भी बेटर है। ओरा में जो वाइट है वो इंक्रीज हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो जो ओरा वाली है ना टोटली शिफ्ट हो जाती है, जैसे एक मिरर इमेज बन जाती है ना, कम किस टाइप की बन रहा है, और ऊपर ऊपर भी इसका हाइट बढ़ रहा है, जैसे एक तरह का फ्लेम की तरह चलता है ना, फ्रेम की तरह उसका मूव अप्स राउंड राउंड रेंज में स्टेप्स आ रहा है अभी। पूरे हाथ का भी देख सकते हैं, थोड़ा हाँ डिस्टेंसली रख के ना अपने हाथ को, पूरे हाथ का आप थोड़ा देख सकते अभी जैसे हैं। कल मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में मुझे व्हाइट दिख रहा था, अब थोड़ा सा येलोइश वाला जो होता है ना, वेरी लाइट, गोल्डन येलो हाँ व्हाइट, गोल्डन है, बहुत बहुत लाइट में, मतलब नॉट प्योर व्हाइट, थोड़ा सा डिफरेंट कलर चेंज हुआ है। मॉर्निंग में ऐसा ही व्हाइट था, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया व्हाइट था वो, धीरे धीरे समटाइम्स येलो इसका गोल्डन टाइप से आ रहा है। तो आज हमने जो टेक होम है, जो तीन चीजें और एडिशनल मैंने बताई हैं आपको, ट्री का और आपने देखना है, स्काई स्काई को देखना है, और किसी को सामने बिठा के आपने ऑरा देखना है, ठीक ठीक है, है, इतना करना है, एंड श्रीम लिखना है, ठीक राइट। है, तो श्रीम एनी पेन और स्पेशली रेड रेड पेन। पेन, रेड पेन, ओके ओनली रेड ओके पेन, जब भी आप मंत्रास लिखेंगे रेड पेन से लिखेंगे, ठीक ठीक है है, तो ये आपने करना है। आप अभी लिख लें तो अभी मैं लिफ्ट करवा देती हूँ, आप देखें उसको थोड़ा अभी मेरे पास, ध्यान से। अभी मेरे पास रेड पेन नहीं हुआ, सो आई विल बाय द रेड पेन ओके वाला। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल आप एक रेड पेन, थोड़ा सा स्केच पेन या कुछ भी रेड हाँ कलर का हो, वैसे प्रेफरेबली आप बॉल पेन या जेल पेन से लिखें, क्योंकि वो स्पेस थोड़ा कम लेते हैं और ज्यादा एक पेज पे आप ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा लिख पाएंगे। और ठीक है, फिर मैं आपको, वैसे तो डॉक्टर साहब थियरी क्लास लेंगे ही सैमल्टेनियसली आपकी, तो उसमें वो बता देंगे उसकी क्या इम्प्लीकेशन है और वो सब चीज, ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इसको थोड़ा एक बार और प्रैक्टिस करें टिल द टाइम आपका जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, उसको या तो सामने किसी को बिठा के भी देख सकते हैं, राइट, या मिरर में आप अपने आप को देख सकते हैं। ओके आप मिरर में वही कर, नॉइज नॉइज वाला इधर। हाँ वैसे ही, मतलब इतना सेंटर पे रखें वो अपने आप पॉप अप हो जाएगा सब, और आप बिल्कुल आप वहीं पे रहेंगे, आपका जो है टोटल आप अपने आप को देख रहे होंगे, बट एक्चुअली आपको अपना अपनी वो आपका अटेंशन उसके ऊपर होगा जो कि ल्यूमिनस रहेगा, ज्यादा आउटलाइनिंग, राइट, तो ठीक है आप ये कर, जनाब। हाँ ये जैसे भी हम 9:30 वाला, 10:30, 9:30 वाला करते हैं, इससे अर्ली वाला कोई टाइम, सो इफ यू मॉर्निंग हैव, में आप करें ना, मॉर्निंग में आप टाइम स्लॉट अपना बता दें, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, कन्वीनियंट टाइम होना चाहिए दोनों के लिए। मेरी मॉर्निंग में हीलिंग सेशंस रहते हैं, तो अगर आप मेरे को बता देंगे एक बारी, इट विल टेक सम टाइम, मैं एडजस्ट करती हूँ, देखती हूँ, मे व्हाट टाइम यू आर मे फ्री स्लॉट। मेरा तो पूरा दिन कुछ कुछ चलता रहता है, ओके हीलिंग सेशंस वगैरह ऐसा होता रहता है, तो एज सच नहीं है, बट यस अगर आप उसको बोलेंगे कि मॉर्निंग में ये टाइम पे सुटेबल है आपको, तो उस टाइम पे थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। हाँ बिकॉज मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग के लिए मेरा थोड़ा सा फ्री भी होता है, बिकॉज इवनिंग में तो यू नो तो वर्क हुआ है, मॉर्निंग में कोई आई एम बात नहीं, फ्री, हम मॉर्निंग में रख सकते हैं, तो क्या जो भी टाइम है मे आपको सूट करता है? बी 7, 8 और अर्ली मॉर्निंग, दैट्स फाइन। नो नो नॉट नॉट 7-8 टाइम, 7-8 नहीं, अर्ली मॉर्निंग्स टाइम अर्ली मॉर्निंग मे बी 5 और 6। नहीं, अर्ली मॉर्निंग्स बिल्कुल नहीं सर, थोड़ा ओके अपना मेडिटेशन एंड थोड़ा पूजा वगैरह चलता है उसमें, तो ओके अर्ली मॉर्निंग्स तो नहीं, अराउंड टेन टेन और 11 और 12, 11-11 to 12, ठीक है, कर हाँ 11 12 सकते फाइन, बिकॉज हैं, कल वाला सेशन 11 to 12 करते हैं, हाँ ठीक है, मेरी जो आपके 11, साथ में एनर्जी क्लासेस का जो भी है वो 11 to 12 करते हैं, ठीक हाँ और है, मेरे जो को 1 मिनट, अभी डॉक्टर साहब आएंगे एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं कि अगर कोई और बैच में उस टाइम पे कोई और भी है तो अकॉर्डिंगली मैं देख लेती हूँ, टेंटेटिवली टाइम यही स्लॉट करते हैं 11 to 1 के बीच में, 1 घंटा, हाँ एनी टाइम कर ठीक सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके नमस्कार सर। नमस्कार।